जय हिंद साथियों, आज शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 12 अक्टूबर 2022 और आज का दिन है बुधवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व देख लेते कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। तो हमारी सबसे पहली खबर रहेगी मंदिर कला की शैलियों से, जिसमें हम जो महाकाल मंदिर है उसको देखने का प्रयास करेंगे। यहीं पर हम जो मंदिर कला की शैलियाँ होती है, मंदिर के जो आर्किटेक्चर होते हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हमारी अगली खबर रहेगी GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, जिसमें हम यूक्रेन और रूस के मैप का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऑर्गन्स को देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे न्यायपालिका से संबंधित खबर को देखेंगे, जो न्यायपालिका है या सुप्रीम कोर्ट है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे मानसून के बदलते रुझान ने बढ़ाई चिंता, तो यहाँ पर हम कृषि जलवायु के अनुसार बने नीति, तो यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आने वाले समय में हमें जो मानसून का जो पैटर्न बदल रहा है उसी के अनुसार हमें हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसे भी बदलना है। इसके क्या नीतियां हैं, क्या नई नई टेक्नोलॉजी है अपनाई जा सकती है उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि असमानता को कम करने की दिशा में जो CRI रैंकिंग है उसमें भारत की स्थिति क्या है, उसके कौन से जो इंडेक्स या पैरामीटर्स उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हमारी अगली खबर रहेगी G20 से संबंधित, फिर हम भोपाल गैस त्रासदी को देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे जल जीवन मिशन को देखेंगे, ये महाकाल मंदिर से संबंधित अन्य बातों को देखने का प्रयास करेंगे। ऊर्जा संकट के सबक, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ये एनर्जी सिक्योरिटी से संबंधित है। उसके बाद बड़े प्रदूषक पर नियंत्रण आवश्यक, तो GS3 पॉल्यूशन से यानी प्रदूषण से और कंजर्वेशन से जोड़कर देख सकते हैं, इसे भी आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम PM गतिशक्ति को देखने का प्रयास करेंगे, क्या है ये योजना। फिर हम G7 ग्रुप के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम ईरान की जो कुर्द क्षेत्र है वहाँ को देखने का प्रयास करेंगे, कुर्द क्षेत्र कहाँ पर फैला हुआ है। फिर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वांटम तकनीक को देखने का प्रयास करेंगे कि क्या है क्वांटम टेक्नोलॉजी, इसके यूजेस को देखेंगे। फिर हम देख लेंगे महाकाल मंदिर से संबंधित एक वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे महाकालेश्वर के मंदिर से संबंधित कुछ जानकारी को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम मंदिर कला शैली के बारे में देखेंगे। फिर हम जो इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे मंदिर कला शैलियों को, उसके बाद हम एक अन्य इमेज के थ्रू अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो बेसर शैली है वो क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे कि द्रविड़ शैली क्या है, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे नागर शैली क्या है, उसके बाद देखेंगे नागर शैली और शैली के अंगों को देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद एक इमेज से समझने का प्रयास करेंगे जो पार्ट्स होते टेम्पल्स को उनको, फिर एक अन्य इमेज के थ्रू और अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से उसके कलश और जो मंडप है वो अवस्थित होते हैं। उसके बाद हम महाकालेश्वर मंदिर में इन सब चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम ज्योतिर्लिंग को देखेंगे कि कहाँ पर अवस्थित है, उसको हम मैप में देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर ये अवस्थित है। उसके बाद हम उज्जैन को देखेंगे और मध्य प्रदेश में उसकी लोकेशन को लोकेट करने का प्रयास करेंगे। फिर हम रशिया की मैप को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि यूक्रेन को क्षेत्रों को देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यूक्रेन के किन क्षेत्रों को रूस ने अपने अंदर ग्रहण कर लिया, मतलब अपने अंदर समा लिया। फिर उसके बाद देखेंगे हम यूक्रेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शहरों को। फिर हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या खूबियाँ इन ऑर्गन्स की उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम G7 के बारे में देखेंगे, G7 को मैप में लोकेट करने का प्रयास करेंगे। फिर हम G20 के बारे में देखेंगे, फिर G20 को मैप में लोकेट करने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे जल जीवन मिशन को बारे में देखेंगे कि पॉल्यूटेड वाटर से कौन सी बीमारियां होती हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि पॉल्यूटेड वाटर से या अनसेफ वाटर से कितनी जो मृत्यु है वो होती है उनको देखेंगे। फिर हम कुर्द क्षेत्र को देखने का प्रयास करेंगे, एक अन्य इमेज के थ्रू और अच्छे से समझेंगे कि कहाँ पर अवस्थित है कुर्द क्षेत्र। फिर हम भोपाल गैस त्रासदी को देखेंगे, उससे संबंधित कुछ बातों को देखेंगे कि कौन सी कंपनी थी, कौन सी गैस रिसाव हुआ था, कहाँ पर रिसाव हुआ था उसको देखेंगे। फिर हम भोपाल को देखेंगे जहाँ पर ये त्रासदी हुई थी। फिर हम देखेंगे जो CRI इंडेक्स यानी जो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 उसको देखेंगे, उसके कौन से इंडेक्स और पिलर्स उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत का हेल्थ केयर में कितना इन्वेस्टमेंट है GDP के परसेंटेज में, उसको हम डेवलप्ड कंट्री से तुलना करने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे ये जो क्वांटम टेक्नोलॉजी वो क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे, इसके यूजेस क्या है यानी उपयोग कहाँ कहाँ हो रहे हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में, और किस तरह से मददगार हो सकती है ये टेक्नोलॉजी। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे स्मार्ट एग्रीकल्चर को समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि आधुनिक
जो टेक्नोलॉजी वो क्या होती है, फिर देखेंगे हम कि जो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है उसको देखेंगे, फिर एग्रो क्लाइमेट रीजन को देखने का प्रयास करेंगे इंडिया में, फिर हम सीजनल रेनफॉल को देखेंगे, फिर इन्हीं के सीजनल रेनफॉल के हिसाब से जो क्रॉप एरियाज हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे कि किस क्षेत्र के लिए कौन सी क्रॉप बेटर या सुटेबल हो सकती हैं। फिर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ अनुच्छेदों को देखने का प्रयास करेंगे, इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा हम उनको देखेंगे, फिर हम देखेंगे पीएम गतिशक्ति योजना क्या है उसको देखने का प्रयास करेंगे, और अंत में हम जो गूगल मैप है उसमें जिन कंट्रीज़ की हम बात करेंगे या जिक्र करेंगे उनको अंत में जाते हुए हम गूगल मैप में देख लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का नया शिलालेख है श्री महाकाल लोक मोदी जी। तो ये कौन से मतलब किस पेपर से संबंधित है, तो GS1 से आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, जिसमें हम टेम्पल आर्किटेक्चर यानी जो मंदिर कला की शैली है उनसे संबंधित से जोड़कर देखेंगे। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवनिर्मित वैभवशाली श्री महाकाल लोक देश को अर्पित किया है। इसमें भव्य प्रतिमाओं में वर्णित भगवान महादेव की गाथाओं को देखने के बाद मोदी जी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने श्री महाकाल लोक को भारत की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक चेतना का नया शिलालेख बताया। इसके दौरान उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत का सांस्कृतिक वैभव देखकर चकित है कि हमारे महान ऋषि मुनियों पूर्वजों ने बिना तकनीक के ऐसे विराट मंदिर कैसे बनाए। तभी हम देखेंगे जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, यहाँ पर उन्होंने मंदिर के गर्भ में घूमे, फिर उसके बाद यहाँ पर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की और मौन साधना कर ध्यान लगाया। तब हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक नीचे जो पेज में दे रखी उसको भी देख लेते हैं। महाकाल गाथा विध्वंस से पुनर्निर्माण तक, तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में मंगलवार को मोदी जी ने श्री महाकाल लोक जनता को समर्पित किया। महाकाल लोक के दर्शन करना एक अद्भुत अनुभव होगा। मंदिर जो महाकाल मंदिर की स्थापना विध्वंस और पुनर्निर्माण की गाथा जानी है। तो देख लेते हैं कि इल्तुतमिश ने मंदिर को कर दिया था क्षतिग्रस्त, तो महाकाल मंदिर का पुनर्निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ। इसके बाद 140 साल बाद दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे क्षतिग्रस्त किया। फिर 18वीं सदी के चौथे दशक में मराठा राजाओं के मालवा पर आधिपत्य होने के बाद पेशवा बाजीराव प्रथम ने उज्जैन का प्रशासन अपने विश्वस्त सरदार राणाजी शिंदे को सौंपा। राणाजी के दीवान सुखटंकर रामचंद्र बाबा शेणवी ने इन्होंने 18वीं सदी के चौथे और 5वें दशक में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा, तो देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। 3 भागों में बना हुआ है मंदिर, तो महाकाल मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है। दिव्य ज्योतिर्लिंग मंदिर के सबसे नीचे के भाग में प्रतिष्ठित है, मध्य के भाग में ओंकारेश्वर शिवलिंग के तथा सबसे ऊपर वाले भाग पर सिर्फ नाग पंचमी में खुलने वाला नाग चंद्रेश्वर मंदिर है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो महाकाल का जो ये लोक निर्माण है इसमें क्या क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर महाकाल का जो पथ है वो बनाया जाएगा, यहाँ पर जो पत्थर की दीवारें बनाई जाएगी, महाकाल मंदिर में एक परिसर है उसका विस्तार किया जाएगा। यहाँ पर और अन्य बातें बताई गई हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो हेरिटेज धर्मशाला है, ये त्रिवेणी संग्रहालय है, इसका निर्माण किया जाएगा। फिर रामघाट सुंदरीकरण व सिंहस्थ थीम पर आधारित लाइटिंग शो का निर्माण किया जाएगा। चारधाम मंदिर पहुंच मार्ग से महाकाल मंदिर के पिछले हिस्से तक रुद्र सागर पर 210 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया जाएगा। महाकाल मैदान वाली जगह पर पार्किंग, सांस्कृतिक हाट बाजार का निर्माण किया जाएगा। बड़ा गणेश मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, महाकालपुरम तरफ के महाकाल मंदिर पहुंच मार्गों का चौड़ीकरण किया जाएगा, और चारधाम मंदिर पहुंचने मार्ग में जो विकास से और सुंदरीकरण वो सब किया जाएगा। तो ये सब किसके तहत किए जाएंगे, जो यहाँ पर नया प्रोजेक्ट लाया गया है महाकाल लोक उसके तहत किए जाएंगे। तो ये हमने देख लिया कि इसका जो विध्वंस है या क्षतिग्रस्त है तो ये कैसे हुआ। अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ बातों को। उससे पहले एक आप वीडियो देखिए। जो महाकालेश्वर मंदिर है, अब उससे संबंधित बातों को देखते हैं। तो धर्म संबंधी जानकारी को देख लेते हैं।
तो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये उज्जैन में अवस्थित है। किससे संबंध रखता है? तो हिंदू धर्म से संबंध रखता है। देवता कौन से? तो शिव, शंकर, महाकालेश्वर। अवस्थिति कौन सी? तो उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत में। और वास्तु विवरण को देखें तो शैली कौन सी? तो हिंदू शैली। निर्माता कौन है? तो स्वयंभू है, यानी इसका कोई निर्माण निर्माणकर्ता नहीं है। इसका जीर्णोद्धार किसने किया? उज्जैन शासक मराठा और राजा भोज ने इनका जो जीर्णोद्धार कराया था। स्थापित कब किया गया? तो अति प्राचीन मंदिर है। अब मंदिर कला की शैली कौन सी होती है? तो तीन तरह की जो महत्वपूर्ण शैली है, एक नागर शैली है, एक बेसर शैली है, एक द्रविड़ शैली है। तो अब इन तीनों को देखते हैं हम। तो आप यहाँ पर इमेज से समझने का प्रयास कीजिए कि नागर शैली का जो आर्किटेक्चर है मंदिर का वो किस तरह से है, वेसर शैली का जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह से है, तो द्रविड़ शैली है उसका आर्किटेक्चर किस तरह से। तो इनको आप समझिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ताकि हम इन पर आगे बात करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक अन्य इमेज से और समझने का प्रयास कीजिए, जो पार्श्व साइड दृश्य लिया गया साइड से जो इमेज लिया गया उसको देखिए। तो ये नागर शैली का जो मंदिर कला है उसकी वास्तुकला को दिखाया हुआ, ये द्रविड़ शैली को देखिए आप, इनकी साइज को देखिए, इनके शेप को देखने का प्रयास कीजिए, इनका जो पिरामिड से उनको देखने का प्रयास कीजिए, इनमें कितने मंदिर से उनको देखने का प्रयास कीजिए आप। तो ये द्रविड़ शैली के ये उसको देखिए मंदिर को, फिर वेसर शैली को देखने का प्रयास कीजिए आप। तो आपको जो वेसर शैली ये दोनों का मिक्सर देखने का प्रयास दिखेगा, द्रविड़ शैली का और नागर शैली का। अब जो वेसर शैली की हम बात करें तो वेसर शैली क्या है? तो चालुक्य एवं होयसल राजवंशों द्वारा निर्मित है, जिसमें विंध विंध्य और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र हो गया, यानी एक उत्तर भारत से और दक्षिण भारत वाले बीच का क्षेत्र मान सकते हैं हम। अब इसमें देखिए कि वेसर शैली है तो इसमें एक चालुक्य शैली है जिसमें ऐहोल के मंदिर है, एक होयसल शैली जिसमें होयलेश्वर के मंदिर है, उसके बाद पाल शैली जिसमें सिद्धेश्वर के मंदिर है। तो ये वेसर शैली उसके टाइप बता दिए और उससे संबंधित एक एक उदाहरण को बता दिया कि चालुक्य शैली तो उससे संबंधित कौन से मंदिर है, ऐहोल के मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया तो वो बता दिया, इसका क्षेत्र कौन सा है वो बता दिया कि विंध्य और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र। अब आप द्रविड़ शैली को देखिए तो मुख्यतः दक्षिण भारत में निर्मित हुई थी, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच का क्षेत्र हो गया, यानी दक्षिण वाला दक्षिण भारत के क्षेत्र में। अब आप नागर शैली को देखने का प्रयास कीजिए तो इसमें तीन तरह की शैली होगी, एक तो ओडिशा मंदिर शैली, एक खजुराहो मंदिर शैली और एक गुजरात और राजस्थान की मंदिर शैली। अब ओडिशा मंदिर शैली में कौन सा उदाहरण आ जाता है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर, फिर खजुराहो मंदिर शैली में तो कंद्रिया महादेव का मंदिर, फिर गुजरात और राजस्थान मंदिर शैली में तो दिलवाड़ा जैन मंदिर है। तो ये उसके उदाहरण हो गए और इसके अंदर कौन सी शैली आ रही तो वो बता दिया गया है। अब हम मेन जो है नागर शैली पे फोकस करते हैं। तो नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की तीन में से एक शैली, यानी अभी हमने बात कर ली कि एक वेसर शैली हो गई, एक और द्रविड़ शैली हो गई। नागर शब्द की उत्पत्ति नगर से हुई है, इस शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत माला तक देखा जा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना, विकसित नागर मंदिर में गर्भगृह, उसके समक्ष क्रमशः अंतराल, मंडप तथा अर्ध मंडप प्राप्त होते हैं। तो आप इस इमेज से भी समझने का प्रयास कीजिए, एक ही अक्ष पर एक दूसरे से संलग्न इन भागों का निर्माण किया जाता है। अब शैली के अंगों को देखिए तो नागर शब्द नगर से बना है, सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इन्हें नागर की संख्या प्रदान की गई थी। शिल्प शास्त्र के अनुसार नागर मंदिरों के आठ प्रमुख अंग है, तो कौन कौन से होंगे? तो एक मूल आधार हो गया है जिस पर संपूर्ण भवन खड़ा किया जाता है, दूसरा है मसूरक, नींव और दीवार के बीच का भाग, फिर उसके बाद है जंगा, दीवारें विशेषकर गर्भगृह की दीवारें, फिर कपोत जिसमें कार्निस हो गया, शिखर मंदिर का शीर्ष भाग अथवा गर्भगृह का ऊपरी भाग, फिर आगे ग्रीवा जिसमें शिखर का ऊपरी भाग, वतुलाकार आमलक जिसमें शिखर के शीर्ष पर कलश के नीचे का भाग, उसके बाद है कलश तो शिखर का शीर्ष भाग हो गया है। अब इसकी जो और कुछ विशेषता बताई गई कि इसमें चौड़ी समतल छत से उठती हुई शिखा की प्रधानता पाई जाती है। तो इस तरह से आप देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से ये जो शिखर तक इसका जो शेप है वो जाता है। अब इससे संबंधित कुछ मध्य भारत में पाए जाते हैं उन मंदिरों को देख लीजिए, तो कंद्रिया महादेव मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में, और कोणार्क सूर्य मंदिर
तो उड़ीसा में हो गया है, मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में हो गया, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में हो गए, दिलवाड़ा के मंदिर आबू पर्वत राजस्थान में हो गए, सोमनाथ मंदिर सोमनाथ गुजरात में हो गए। अब आप इनमें कन्फ्यूजन में तो ये कि कोणार्क सूर्य मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो ये नागर शैली है, उसके अंदर जो शैलियाँ हैं ओडिशा मंदिर शैली, खजुराहो मंदिर शैली, गुजरात में राजस्थान मंदिर शैली, तो उसके अंदर आते हैं, लेकिन ओवरऑल तो ये नागर शैली के अंदर ही आएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर बताने की किए कि इसके उदाहरण कौन से हो सकते हैं, इसके जो मंदिर होते हैं उसके अंग कौन से होते हैं। तो यहाँ पर इमेज में देखिए आप कि सबसे ऊपर क्या हो गया, तो कलश हो गया, उसके बाद क्या होगा, आमलक, फिर शिखर, फिर मंडप, फिर अर्ध मंडप हो गया, और नीचे और ये वाला सबसे छेद क्या हो गया, तो ये गर्भगृह हो गया, और नीचे इसका जो आधार यानी मूल आधार हो गया है जिसके ऊपर ये मंदिर खड़ा किया गया है। तो ये नागर शैली के अंग दिखाए हुए हैं। यहाँ पर एक खजुराहो के मंदिर जिसमें नागर शैली में निर्मित है, तो ये दिखाया हुआ कि इसको और इसको आप मिलान करने का प्रयास कीजिए, तो ये दिख रहा होगा आपको क्या ऊपर ऊपर क्या दिख रहा है, तो कलश दिख रहा होगा, उसके नीचे आपको आमलक दिखेगा, आमलक के नीचे आपको शिखर देखने का दिखेगा, उसके बाद आपको मंडप दिखेगा, फिर अर्ध मंडप दिखेगा, और नीचे ये, और यहाँ पर क्या हो गया, तो गर्भगृह हो गया, और नीचे जो मूल आधार हो गया इसका। अब उसी इमेज को अच्छे से समझिए, तो ये हो गया ऊपर ही कलश हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया, तो आमलक हो गया, उसके बाद ये वाला पार्ट हो गया, शिखर हो गया, फिर ये वाला कौन सा क्षेत्र हो गया, तो ये गर्भगृह हो गया है, उसके बाद ये मंडप और ये अर्ध मंडप वाला क्षेत्र हो गया है। तो इसे देखिए आप मंदिर को, क्योंकि ये जब आपको ये सब चीजें समझ में आएगी तभी आप जो महाकालेश्वर मंदिर है उसको मतलब इसी से लोकेट कर पाएंगे कि उसका कौन सा क्षेत्र शिखर है, आमलक है या कलश है। फिर एक अन्य इमेज के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए कि ऊपर ध्वज हो गया, फिर ये कलश हो गया, फिर आमलक हो गया, फिर ग्रीवा हो गया, फिर उरु शंख हो गया, फिर अंतराल हो गया, फिर महामंडप हो गया, फिर अर्ध मंडप हो गया, फिर कंबोत हो गया है, फिर ये अंदर क्या हो गया, तो ये गर्भगृह हो गया है, ये जगदीश अतिष्ठान हो गया है, ये मसूरों और ये जंगा हो गई है जो गर्भ की दीवारों को बोल रहे हैं, और ये गवाक्ष हो गया है। तो इस तरह से आप देखिए और अच्छे से इसका एनालिसिस कीजिए, क्योंकि अब आप आगे आज जो काम रहेगा वो आपका रहेगा, क्योंकि ये महाकालेश्वर का मंदिर है। तो इसमें आप इन सब चीज़ों को लोकेट कीजिए जो हमने पिछले इमेज में देखने का प्रयास कीजिए कि इसका ध्वज कहाँ है, कलश कहाँ है, आमलक कहाँ है, इसका शिखर कहाँ है, और इससे इसको लीजिए मेन जिसमें हमने बात की शिखर की, मंडप की, अर्ध मंडप कहाँ है, तो ये आप इसमें लोकेट करने का प्रयास कीजिए जो मंदिर दिखाया है वो महाकालेश्वर मंदिर का, ताकि आपको जो मैंने पीछे बताई वो याद रह सके। अब हम देखते हैं कि जो महाकालेश्वर मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो 12 ज्योतिर्लिंग को और जो 11 ज्योतिर्लिंग उनको देख लेते हैं। तो सोमनाथ कहाँ है, तो सौराष्ट्र गुजरात में, मल्लिकार्जुन कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर कहाँ है, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में जिसकी हमने अभी बात की है, ओंकारेश्वर कहाँ है, तो खंडवा में मध्य प्रदेश में ही अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश में दो हो गए हैं ना। केदारनाथ कहाँ है, तो उत्तराखंड में, फिर भीमाशंकर कहाँ है, तो पुणे महाराष्ट्र में, काशी विश्वनाथ तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में, त्रिंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में, फिर वैद्यनाथ कहाँ है, तो देवघर झारखंड में, नागेश्वर कहाँ है, तो द्वारकापुरम गुजरात में, रामेश्वरम तो रामेश्वरम तमिलनाडु में हो गया, फिर घुश्मेश्वरम तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में हो गया। अभी इन्हीं को इमेज के थ्रू देखिए, तो ये केदारनाथ हो गया उत्तराखंड में, विश्वनाथ हो गया यूपी में, वैद्यनाथ कहाँ पे हो गया, तो झारखंड में, फिर महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर को देखिए तो ये खंडवा में हो गया, और ये उज्जैन में हो गया, ये दोनों MP के हो गए। फिर उसके बाद आप गुजरात के देखिए तो नागेश्वरम, सोमनाथ, तो ये दोनों कहाँ के हो गए, गुजरात के। फिर आप महाराष्ट्र में देखिए तो ये घृणेश्वरम, ये त्रिंबकेश्वरम, भीमाशंकरम, ये कहाँ के हो गए, महाराष्ट्र के। फिर आप देखिए मल्लिकार्जुन कहाँ पर हो गया है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित हो गया। फिर रामेश्वरम को देखिए तो आप तमिलनाडु में यानी दक्षिणी छोर पर अवस्थित हो गया, यानी सबसे दक्षिण में कौन सा ज्योतिर्लिंग आता है, तो रामेश्वरम, सबसे उत्तर में केदारनाथ, और सबसे पूर्व में तो वैद्यनाथ, और सबसे पश्चिम में कौन सा आ जाता है, तो नागेश्वरम आ जाता है। इस तरह से आप इनको देखिए। उसके बाद हमने जो उज्जैन की बात की, तो उज्जैन को आप देखिए तो ये मालवा का पठार हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए चंबल नदी हो जाती है, और चंबल नदी के बाद आप यहाँ पर देखिए जो काली सिंध हो गई है, और यहीं पर जो शिप्रा नदी अवस्थित होती है जिसके किनारे जो उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है वो अवस्थित है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर बेतवा नदी को, तो ये कहाँ जाकर मिल जाती है, तो ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद आप और देखने का प्रयास कीजिए, तो ये बैतूल का पठार हो गया है। उसके बाद ये नर्मदा वैली हो गई, यहाँ से जो नर्मदा नदी निकल रही है, ये मातवार की हिल्स हो जाती है, कैमूर हिल्स हो जाती है, और ये विदेशी का पठार हो जाता है। और यहाँ पर जो शिवपुरी का पठार, जहाँ पर जो कुन्नू नेशनल पार्क अवस्थित है, जहाँ हाल ही में जो चीताओं को लाया, जो चीता है उनको लाया गया था, ये मोरेना का पठार हो जाता है, ये लश्कर के मैदान हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए इसको मैप को अच्छे से। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत ने रूस के विरुद्ध किया मतदान, तो यूक्रेनी क्षेत्रों पर अवैध कब्जे के निंदा प्रस्ताव पर मॉस्को ने की थी गुप्त मतदान की मांग।
तो भारत ने अपने पुराने मित्र राष्ट्र रूस को संकेत दिया है कि यूक्रेन मुद्दे पर उसके समर्थन को वो गारंटी के तौर पर न ले। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन के चार क्षेत्रों पर रूस के अवैध कब्जे की निंदा करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव लाया गया था। रूस ने इस पर गुप्त मतदान की मांग की थी, लेकिन अल्बानिया ने इसके पर सार्वजनिक मतदान यानी जो रिकॉर्डेड वोट की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश किया था। भारत ने तकरीबन 100 देशों के साथ सार्वजनिक मतदान के पक्ष में वोटिंग की है। तो अब यहाँ पर जो यूक्रेन की बात की, मास्को की बात की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात की, तो इनको देख लेते हैं। तो भारत ने क्यों रूस के विरुद्ध किया है समर्थन? तो एक तरह से जो रूस है उसने एक तरह से अवैध रूप से जो यूक्रेन के क्षेत्र उन पर कब्जा किया है, तो इस तरह अगर भारत यहाँ पर समर्थन देता रूस का, तो एक तरह से जो हमारे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है या अक्साई चीन है, तो वो एक तरह से जो चाइना है या पाकिस्तान है, इनको भारत की जो टांग घिसने का एक अवसर मिल जाता है कि भारत ने अगर यूक्रेन के द्वारा जो यूक्रेन के क्षेत्र जिन पर रूस ने कब्जा किया है तो वो सही है, तो ये क्षेत्र भी भारत के जो क्षेत्र है जिन पर चीन ने और पाकिस्तान ने कब्जा किया वो भी सही है, तो भारत यहाँ पर दुविधा में पड़ सकता था। इसलिए भारत ने जो रूस है मास्को उसका जो मतदान है उसमें विरोध किया, यानी एक तरह से उसके खिलाफ वोट डाला है। तो अब देखते हैं, इन क्षेत्रों को देख लेते हैं। तो ये रशिया का मैप हो गया, तो इसमें आप देखिए कि इसकी सीमा किससे लग रही है। तो इधर फिनलैंड से इसकी सीमा लगती है, इधर एस्टोनिया से, इधर लेटविया लिथुआनिया से इसकी सीमा लगती है, बेलारूस से सीमा लगती है, इधर यूक्रेन से सीमा लगती है, और इसका एक जो बाल्टिक सागर में एक इसका क्षेत्र हो जाता है जिसे कालिनग्राद बोलते हैं, जो इससे सीमा किससे लग रही है, तो इधर पोलैंड से लगती है, इधर लिथुआनिया से इसकी सीमा लग रही है। उसके बाद आप देखिए कि इसकी कजाकिस्तान से सीमा लगती है, इधर काकेशस माउंटेन्स आ जाती है जिससे जॉर्जिया है, अजरबैजान है, ये यहाँ पर अवस्थित हो जाती है। ये कैस्पियन सी से इसकी सीमा लग रही है, इधर ब्लैक सी से इसकी सीमा लगती है, उसके बाद चाइना से इसकी सीमा लगती है, इधर नॉर्थ कोरिया से इसकी सीमा लगती है। तो इस तरह से आप देखने का प्रयास कीजिए। अब इसमें देखिए कि ये यूरोपियन प्लान्स हो गए, यानी यूरोप के जो मैदान हो गए, ये यूराल माउंटेन्स हो जाती है, ये सेंट पीटर्सबर्ग हो गए जिसके महत्वपूर्ण जो शहर है। उसके बाद आप देखिए कि इसके उत्तर में क्या हो गया, तो आर्कटिक ओशन हो जाता है, ये ईस्ट साइबेरियन सी हो जाता है, ये चुक्सिस सी हो जाता है, और यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट अवस्थित है। उसके बाद देखिए लैप्टाव सी, ये कारा सागर या बेरेंट सागर, ये वाइट सी, और ये मुरमांस इसका महत्वपूर्ण पोर्ट अवस्थित है। अभी देखिए कि मध्य साइबेरियन के जो पठार अवस्थित है, इसके बाद इधर जो ये साइबेरियन वाला क्षेत्र हो जाता है, फिर इसी को पार्ट में बांट दिया जाता है कि ये वेस्ट यानी पश्चिमी साइबेरियन के मैदान, और ये ईस्टर्न साइबेरियन के मैदान यानी पूर्वी साइबेरियन के मैदान हो जाते हैं। उसके बाद आप देखिए इससे महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी, तो ये ओप रिवर्स हो जाती है, ये एट्रिश रिवर हो जाती है, ये एनएनसी रिवर हो जाती है, ये लीना रिवर्स हो जाती हैं। उसके बाद आप देखिए कि ये वोल्गा रिवर्स हो जाती है जो कैस्पियन सागर में जाकर गिरती हैं। उसके बाद आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो इसकी राजधानी उसको देखिए, तो ये मास्को हो जाती है। उसके बाद ये लेक जो बेकाल झील है उसको देखिए, तो ये यहाँ पर अवस्थित है, इसके दक्षिण छोर पर आ जाती है। ये अमूर रिवर जो चाइना और रशिया के बीच में अवस्थित है, जो आगे सी ऑफ ऑक्सटक में जाकर गिर जाती है। तो इस तरह से आप देखिए इसकी मैप का और अच्छे से एनालिसिस कीजिए। अब हम देखते हैं यूक्रेन के इन इलाकों पर रूस का कब्जा, तो जो महत्वपूर्ण शहर थे तो उनको देखिए, तो ये चेर्नोबिल हो जाता है, ये कोनोटोप हो जाता है जहाँ रूस के नियंत्रण में था, ये सुमी दिखाया रूस के नियंत्रण में, खार्किव को दिखाया हुआ है, जो जिस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो रूस ने किन क्षेत्रों पर कब्जा किया था, तो दिखाया हुआ ये लुहांस्क, डोनेत्स्क, फिर ये यहाँ पर दिखाया हुआ मारियोपोल, ये जापोरिजा जहाँ यूरोप के सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जो निप्पर नदी के किनारे अवस्थित है, ये खेरसान, ये क्रीमिया, ये डोनबास वाला रीजन हमने देखा, ये ओडेसा पोर्ट हो गया, ये कीव की राजधानी हो गई यूक्रेन की। उसके बाद आप देखिए कि किन क्षेत्रों को रूस ने यूक्रेन के जो अपने अंदर मिला लिया, तो आपको दिख रहा होगा इधर खेरसोन है, एक डोनेत्स्क, लुहांस्क और एक मारियोपोल है, जिनको रूस ने अपने क्षेत्र में मिला लिया है। आप इनकी लोकेशन को देखने का प्रयास कीजिए किधर अवस्थित है, ये जापोरिजिया को देखिए, माफ कीजिए मारियोपोल तो एक सिटी हो जाती है जबकि जापोरिजिया को अपने अंदर मिला है, ये नेपाल नदी के किनारे अवस्थित है जापोरिजिया, और कहाँ जाकर गिरती है, तो ब्लैक सी में जाकर गिरती है, ये क्रीमिया जिस पर 2014 में ही रूस ने अपना जो कब्जा है वो जमा लिया था। उसके बाद देखिए ये ओडेसा पोर्ट्स हो गया है। उसके बाद आप यूक्रेन के जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनको देखिए, तो जापोरिजिया, ये केव उसकी राजधानी होगी, ये शेरनहिव, ये लुत्स्क, ये मालडोवा क्षेत्र हो गया है। उसके बाद देखिए ओडेसा पोर्ट, ये क्रीमिया, ये मारियोपोल। तो इस तरह से हमें इसकी मैप को देखना था। अब हमने जो यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गन्स की बात की है, जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उनको देख लेते हैं, तो कौन से, तो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीज यानी सचिवालय, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हो गए। कितने हो गए, तो 6 ऑर्गन्स हो गए। अब इन्हीं को आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये जनरल असेंबली हो गई जिसमें कितने मेंबर है, तो 193 मेंबर्स है, जिसमें एक कंट्री का केवल एक ही वोट होता है,
उसके बाद ये जनरल असेंबली, फिर आप सिक्योरिटी काउंसिल को देखिए जिसमें क्या काम करती, तो ये डिसाइड करने का काम करती है, और जो जनरल असेंबली वो रिकमेंडेड करने का काम करती है। तो आप सिक्योरिटी काउंसिल में देखिए तो ये 5 वीटो पावर्स हो गए, उसके बाद 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हो जाते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और इसी में पीस कीपिंग फोर्स आती है जो कहीं पर भी देश में आंतरिक विद्रोह होता है या कोई भी हिंसा होती है तो उसको रोकने के लिए पीस कीपिंग फोर्स को भेजा जाता है। फिर ये देखिए ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर जो उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो सेक्रेटरी जनरल हो गया ये जो इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा जो भी नियम या कायदे कानून जो भी है इनके। फिर आप देखिए यूएन के ऑर्गन्स हो गए जिसमें यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, फिर यूनाइटेड नेशन फॉर जो चिल्ड्रंस के लिए बनाई गई संस्था है, फिर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, फिर स्पेशलाइज कौन से तो एपीओ, और फिर यूनाइटेड नेशन ईएससीओ, फिर डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ। तो इसकी ये स्पेशलाइज जो ऑर्गन्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं, और ये ऑर्गन्स हो गए महत्वपूर्ण जिनका हम चर्चा में सुनते रहते हैं किसने ये रिपोर्ट जारी की है। अब एक अन्य इमेज के थ्रू समझिए, ये जनरल असेंबली 193 मेंबर, वन कंट्री वन वोट, ये रिकमेंडेशन का काम करेगी। उसके बाद डिसाइड कौन करता है, सिक्योरिटी काउंसिल करती है जिसमें हमने बात कर ली कि 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट मेंबर हो गए, और इसी से संबंधित पीस कीपिंग फोर्स है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो जो सचिवालय है वो सचिवालय जनरल है वो इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। इधर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो जाती है, फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो जाती है, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो जाती है, फिर वही यूएन ऑर्गन्स को दिखाया हुआ है जिसमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफ्यूजीज, और ये क्या हो गई यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड हो गए, फिर ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हो गए। तो इस तरह से आप देखिए इसके जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है वो कौन सी है। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। तो बढ़ते हम अगली खबर पर। अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश, देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की। तो यहाँ पर हम जो सुप्रीम कोर्ट है उससे संबंधित कुछ अनुच्छेदों को देख लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में, जिसमें यहाँ पर अनुच्छेद और विषय वस्तु को दिखाया गया है। तो 124 किससे संबंधित हो गया, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित। उसके बाद 125 तो न्यायाधीशों का वेतन आदि, 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, 128 सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, 131 तो सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र क्या होगा, 132 तो कुछ मामलों में हाई कोर्ट की अपीलों में सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकारिता, 135 तो मौजूदा कानूनों के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपयोग किया जाना, 137 तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा, 141 तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी, 143 तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, 145 अदालत के नियम आदि, और 147 व्याख्या। तो इस तरह से हमें सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो खबर है उसे देखना था। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। मानसून के बदलते रुझान में बड़ा चिंता, कृषि जलवायु के अनुसार बने नीति। तो इसे हम भूगोल से जोड़ सकते हैं, कृषि से जोड़कर देख सकते हैं। तो हाल के मानसून सीजन में लगभग पूरा उत्तर भारत सूखे की चपेट में आ गया है, इससे लगभग 10% कृषि उत्पादन कम होने की आशंका है। पिछले 7-8 दिनों की बात करें तो बेमौसम बारिश ने खेतों में खड़ी फसल पर पानी फेर दिया, नुकसान कितना हुआ इसका आकलन अभी होना बाकी है। यह किसी एक मौसम की बात नहीं, साल दर साल मानसून की सनक खेती पर भारी पड़ रही है। रकबा बढ़ाकर हम उत्पादन की कमी तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी नहीं संभले तो अगले फिसलन बहुत ही है। कृषि वैज्ञानिकों ने मौसम के इस मिजाज को भांपते हुए नीति नियामकों के लिए बहुत पहले ही चेतावनी जारी कर दी। इसके अनुरूप बीजों की उत्पादकता, सिंचाई की आधुनिक तकनीकों पर काम शुरू कर दिया गया, लेकिन असल चुनौती खेती की मौजूदा प्रारूप को बदलने की है। भारत के पास विश्व की 2.4% कृषि भूमि है, जबकि आबादी कितनी तो 17.7% है। इतनी जनसंख्या का पेट भरने के लिए सिंचित क्षेत्र बढ़ाने की जरूरत है। मोदी जी ने एक बार कहा था कि देश किसानों को मिट्टी, बीज और पानी मिल जाए तो वह अपने खेत में सोना उगा सकते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के नारे को सफल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप खेती के पैटर्न पर जोर देना होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। विविध जलवायु वाले देश को खेती के अनुरूप विभिन्न हिस्सों में बांटना जरूरी है, लेकिन उसके लिए जारी परामर्श औपचारिक बनकर रह गई है, यानी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान ने
देश की 26 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित किया है, तो योजना विभाग ने 15 हिस्सों में विभाजित किया है। तो जो अभी योजना विभाग ने क्या हम उनको देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से क्लाइमेटिक जोन में विभाजित किया है एग्रो को। फिर जलवायु क्षेत्र के आधार पर खेती से मानसून का मिजाज बदलता जा रहा है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे खेती का होने वाला नुकसान जरूर सीमित हो सकता है अगर ये चीज़ें हम समय के साथ बदल लेते हैं। खेती में अपना पैटर्न, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खेती का पैटर्न जलवायु के अनुरूप बदलना होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की, जहां उन्नत खेती का प्रदर्शन किया जा सकता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कहा था कि जहां की खेती जलवायु के अनुरूप नहीं बदलती वहां के किसान दरिद्रता की भेंट चढ़ जाते हैं। खेती को बदलने का समय आ गया है। जलवायु परिवर्तन के चलते जिन क्षेत्रों में सूखा रहने वाला है वहाँ सिंचाई की आधुनिक सुविधा बहाल की जा सकती है, उन्नत बीजों के सहारे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। तब यहाँ पर हम कुछ बातों को देखते हैं, तो आप इस इमेज से समझने का प्रयास कीजिए कि जो स्मार्ट एग्रीकल्चर है वो क्या होती है। तो यहाँ आपको आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से जो डाटा है उसका एनालिसिस किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है, किस तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद आप देखिए इस इमेज को, इससे समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो कीटनाशक है उनका छिड़काव किया जा रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद करके। आप किस तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर या ऑटोमेशन के थ्रू ये सारे काम करें जिससे कम कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से जो स्मार्ट एग्रीकल्चर से उसमें स्मार्ट डाटा, उसके बाद किस तरह से क्रॉप यील्ड एनालिसिस किया जाता है, किस तरह से स्प्रेडिंग की जाए पेस्टिसाइड्स की, कीटनाशकों की, फिर किस तरह से जो उसकी डिजीज से उसको पहचाना जाए, फिर किस तरह से वाटर स्ट्रेस से उसको पहचाना जाए, फिर फील्ड की मॉनिटरिंग किस तरह से किया जाए, फिर किस तरह से जो फर्टिलिटी रेट है उसको मॉनिटर किया जाए, फिर किस तरह से सॉइल इरोजन होता है उसको रोका जाए। तो ये सारे जो काम है वो किए जाते हैं किस तरह से आधुनिक तकनीक में, मतलब आधुनिक कृषि की जो टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद देखते हैं हम जो क्रॉपिंग पैटर्न है भारत में वो कौन सा है। तो जैसा कि हमें पता है कि रबी और एक जायद की सीजन और एक खरीफ की सीजन है, तो रबी की सीजन कब होती है तो विंटर सीजन में इसको लगाया जाता है, और काटी कब जाती है तो गर्मी के सीजन में काटी जाती है। इसमें कौन सी महत्वपूर्ण फसलें हैं, तो गेहूं है, बार्ले है, पी यानी मटर है, ग्राम है और मस्टर्ड है। और जो जायद की सीजन होती है वो कब होती है तो एक शॉर्ट सीजन होती है, और कब, गर्मी के समय में, जिसमें खरबूजे तरबूज और पानी की ककड़ी को लगाया जाता है। फिर आती है खरीफ की, जो कब की जाती है तो मानसून के समय की जाती है। काटी कब जाती है तो सेप्टेम्बर अक्टूबर में। तो अभी जो नुकसान हुआ वो किस फसल को हुआ, तो खरीफ की फसल को हुआ, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में अभी काटने का सीजन था, लेकिन अभी बारिश हो गई बेमौसमी, जिसकी वजह से खरीफ की फसल बर्बाद हो गई, जिसमें पेडी है, मेजे है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, सोयाबीन है, जूट है। तो इस तरह से हमें देखना है कि किस तरह से हमें आने वाले समय में जलवायु के अनुसार अपने क्लाइमेट चेंज को बदल सके। तो यहाँ पर एग्रो क्लाइमेट रीजन दिखाया गया है इंडिया में, जिसमें आप देखिए तो ये कौन सा हो गया, तो नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन वाला रीजन हो गया। ये वाला कौन सा हो गया, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन क्षेत्र हो जाता है। फिर ये सतलज यमुना वाला मैदान हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए ये अंबर जो ऊपर गंगा वाला जो मैदान है उसको दिखाया गया है। उसके बाद देखिए मिडल गंगा का जो प्लेन है उसको दिखाया गया है। फिर छठे क्षेत्र में आप देखिए कि ये लोअर गंगा के प्लेन्स को दिखाया गया है। फिर आप सातवें को देखिए तो साउथ वेस्ट जो प्लेटू रीजन है उसको दिखाया गया है। ये आठवां देखिए तो ये अरावली मालवा का जो अपलैंड है उसको दिखाया गया है। नौवां का देखिए तो ये महाराष्ट्र का जो पठार वाला क्षेत्र है उसको दिखाया गया है। दसवें क्षेत्र को देखिए तो ये डक्कन का जो आंतरिक भाग है उसको दिखाया गया है। ग्यारहवें को देखिए तो ये ईस्टर्न कोस्टल रीजन वाला क्षेत्र हो जाता है। ये बारहवें को देखिए तो ये वेस्टर्न कोस्टल रीजन हो जाता है। तेरहवा देखिए तो ये गुजरात वाला रीजन हो जाता है। चौदहवा को देखिए तो ये जो राजस्थान का जो क्षेत्र है पश्चिमी वाला उसको ये वाला हो जाता है। और पंद्रहवा हो जाता है अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र। तो ये एग्रो क्लाइमेटिक रीजन हो जाता है भारत में। उसके बाद आप देखिए सीजनल रेनफॉल जून सितंबर में, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अबव 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश कहाँ हो रही, तो एक तो पश्चिमी घाट पे और एक हो रही उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में, जहाँ पर गारो कासी जयंती है, जहाँ पर जो मोहसिन राम है और चेरापूंजी अवस्थित है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उसके बाद देखिए तो ये जो कलर दिखाया है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, तो आप देखिए मध्य भारत वाला क्षेत्र आ गया है। और इधर तराई वाला क्षेत्र यानी जो हिमालय की जो यानी जो फुट हिल्स हो जाते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हो रही। उसके बाद आप राजस्थान वाले और पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में देखिए कि यहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप अब इसको जोड़ने का प्रयास कीजिए कि मेजर क्रॉप एरियाज को देखिए, तो आप राजस्थान में देख रहे होंगे तो यहाँ पर राइस उगाया जा रहा है, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर जो सीजन रेनफॉल है वो इसको अलाउ नहीं करती कि यहाँ पर ऐसी फसल बोई जाए। तो इस तरह से हमें जो पैटर्न है वो बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जो कृषि के अनुरूप यानी जो जलवायु के अनुरूप अगर फसल नहीं बोएंगे तो उसकी उत्पादकता भी प्रभावित होगी। दूसरा है
कि उससे वहाँ की जो जैव विविधता वो भी प्रभावित होगी। तो इस तरह से हमें देखना है कि किस तरह से हम हमारे जो क्रॉप एरिया से जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको बदल सकते हैं जलवायु परिवर्तन के अनुसार। तो इस तरह से हमें देखना है, आप और भी देख सकते हैं कि वेट कहाँ पर उगाए जाते हैं, बाजरा कहाँ पर, राइस कहाँ पर है, राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सा है तो बाजरा यानी मिलेट से, फॉरेस्ट वाले क्षेत्र को देख सकते हैं आप, सेप्रेस वेजिटेशन को देख सकते हैं। और फिर उसके बाद देख के और एनालिसिस कीजिए इसका अच्छे से, तब बढ़ते हैं अगली खबर पर। तो 21वीं सदी की शिक्षा थियरी से G20 देशों को रूबरू कराएगा भारत। तो G20 की अध्यक्षता भी भारत के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि आने वाले समय में भारत दिसंबर से जो G20 उसकी अध्यक्षता करेगा, ऐसे में भारत अपने सभी मुद्दों को इन बैठकों में चर्चा के लिए दुनिया के सामने रख सकता है। उन्हें विकसित देशों की कतार में खड़ा करने के लिए जरूरी है, इसमें एक बड़ा विषय शिक्षा भी है। भारत G20 की बैठक में प्रमुखता से तैयारी में जुटा हुआ है, फिलहाल वह शिक्षा से जुड़ी अपनी तैयारी को दुनिया के सामने रखेगा। G20 को लेकर जो तैयारी की है उसमें मंत्रालय ने 4 क्षेत्रों जो शिक्षा से जुड़े हुए उनको लेकर फोकस रहेगा, जिसमें पहला है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, दूसरा है तकनीकी मदद से शिक्षा की पहुंच को बढ़ावा, और तीसरा है भविष्य की जरूरत और कौशल विकास, और चौथा है शोध को बढ़ावा देना और साझेदारी करना। तो ये जो 4 फोकस है शिक्षा से संबंधित, वो इन पर तैयारी में जुटा हुआ है शिक्षा मंत्रालय। G20 की अध्यक्षता मिलने को लेकर भारत इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि इसमें 20 ऐसे देश शामिल है जो दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनकी हिस्सेदारी करीब 90% है। G20 में जहाँ अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान जैसे विकसित देश है, वही इंडोनेशिया, ब्राजील, कोरिया जैसे विकासशील देश भी शामिल है, यानी नॉर्थ साउथ का एक अच्छा उदाहरण है ये। अब आप देखने का प्रयास कीजिए कि इसमें 19 कंट्रीज हो जाती है और एक जो यूरोपियन यूनियन है उसको शामिल करके ये G20 का निर्माण करता है। तो यहाँ पर दिखा हुआ जो पॉपुलेशन में इसकी हिस्सेदारी कितनी हो जाती है वर्ल्ड की, तो 2/3 हो जाती है। जो ग्लोबल जीडीपी में कितना हिस्सेदारी रखता है, तो 85% की अपनी हिस्सेदारी रखता है। उसके बाद आप मैप में देखने का प्रयास कीजिए कौन सी तो देश है G20 में शामिल है, तो इधर नॉर्थ अमेरिका से कनाडा, USA और मेक्सिको तीनों शामिल हो जाते हैं, इधर दक्षिण अमेरिका से ब्राज़ील और अर्जेंटीना, उसके बाद अफ्रीका से कौन सी कंट्री, तो एक साउथ अफ्रीका शामिल है, इधर भारत, चीन, उसके बाद इधर से जापान, साउथ कोरिया शामिल हो जाते हैं, इधर रशिया शामिल हो जाता है, टर्की इसके अंदर है, मिडल ईस्ट से कौन हो जाता है तो जो सऊदी अरब है वो शामिल है, उसके बाद इधर देखिए इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसकी जो गेस्ट कंट्रीज है वो कौन सी है, तो यहाँ पर दिखा हुआ है गुयाना और सेनेगल है अफ्रीका से, इधर स्पेन इसकी जो गेस्ट कंट्री हो जाती है, उसके बाद इधर देखिए नीदरलैंड, नॉर्वे एक गेस्ट कंट्री में शामिल होती है, इधर आसियान से एक सिंगापुर और एक वियतनाम में गेस्ट कंट्री में शामिल होती है। तो इस तरह से हमें G20 को देखना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को और मुआवजा दिलाया जाए। तो केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को और ज़्यादा मुआवजा दिलाया जाए। सरकार ने कहा कि अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन का मालिकाना हक हासिल करने वाली कंपनियों से 7,884 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने के लिए वह अपनी क्यूरेटिव पिटिशन को आगे बढ़ाए। तो वर्तमान में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन का स्वामित्व किस पे, तो डो केमिकल्स के पास है, और 2 और 3 दिसंबर 1984 को मध्य रात्रि को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होने के बाद 3,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1.02 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। 1989 में हुए समझौते के वक्त, अब ये चर्चा में क्यों बना हुआ तो उसका कारण देखिए, तो 1989 में हुए समझौते के वक्त यानी UCC यानी जो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन है 1,715 करोड़ रुपए का मुआवजा पीड़ितों को दिया था, और इस त्रासदी से बचे हुए लोग बीमारियों के लिए पर्याप्त मुआवजा और उचित चिकित्सा उपचार के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में और बातों को। तो ये आप अखबार को देखिए December 3, 1984 में, तो ये कौन सी होगी, तो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन जो कंपनी है वो देखिए उसका जो प्लांट है वो दिखाया गया है कि किस तरह से जो पेस्टिसाइड का प्लांट था यहाँ से जो गैस रिसाव हुआ है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी December 2, 1984, तो लगभग 3,000 के लोग जो उनकी मृत्यु हुई थी December 2, 1984, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है वो रिसाव हुआ था। कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो ये यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड है। ये किस तरह का प्लांट था, तो ये पेस्टिसाइड का प्लांट था। कहाँ पर अवस्थित था, भोपाल मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अब देखिए कि ये जो लोकेशन है वो कहाँ पर, तो ये भोपाल का क्षेत्र हो जाता है, और भोपाल में कहाँ है तो ये सिटी हो जाती है भोपाल, और उसके पास ये अपर लेक हो जाती है, और इसका एरिया देखिए कि कितना बड़ा एरिया इससे प्रभावित हुआ था, इससे आइसोसाइनेट गैस से, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से जो लीकेज हुई थी यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट से।
उसके बाद आप भोपाल की लोकेशन को देखिए तो ये कहाँ पर अवस्थित हो जाता है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाती है। उसके बाद देखिए विंध्य और सतपुड़ा के उत्तर में अवस्थित है, ये मालवा के पठार में अवस्थित हो जाता है, ये माधव नेशनल पार्क के दक्षिण में हो जाता है। उसके बाद ये नर्मदा तापी के उत्तर में अवस्थित है, उसके आसपास कौन सी सिटी है, तो ये इंदौर हो जाता है, ये जबलपुर हो जाता है। उसके बाद ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट थोड़ा सा नीचे अवस्थित है। उसके बाद आप देख सकते हैं गुजरात को देखिए तो इधर गिर नेशनल पार्क हो गया, तो ये कच्छ वाइल्ड एस सेंचुरी हो जाती है। और उसके बाद उड़ीसा में देखिए तो सिमलीपाल सेंचुरी, ये ईस्टर्न घाट्स हो जाती है, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, महानदी, गंगा, यमुना, सोन, चंबल, ये नदियाँ हो जाती है। तो इस तरह से आप देखिए इसके आसपास की चीज़ों को लोकेट करने का प्रयास कीजिए ताकि आपको लंबे समय तक ये चीज़ याद रह सके। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। जल जीवन मिशन के तहत महत्व पर नोबल विजेता की मुहर, तो ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सराहना मिली है। 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर माइकल क्रेमर ने जल जीवन मिशन के महत्व को रेखांकित करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि इसके जरिए बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाई गई है। क्रेमर के शोध पत्र के अनुसार जल जीवन मिशन पर सतह सही तरह अमल से हर साल 5 साल तक के 1.36 लाख बच्चों की जान बचाई जा सकती है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक ग्रामीण इलाकों में सभी घरों को पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। 2019 में जब इस मिशन की शुरुआत की गई थी तब देश का लगभग आधी ग्रामीण आबादी स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से वंचित थी, और जो इनकी टीम थी उन्होंने एक निष्कर्ष व्यक्त किया है कि वाटर ट्रीटमेंट डायरिया पर अंकुश लगाने, बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सबसे किफायती तरीका है। 5 साल तक के बच्चों की असमय मृत्यु के अनेक कारणों में दूषित पेयजल प्रमुख है। क्रेमर के शोध विश्लेषण का निष्कर्ष है कि वाटर ट्रीटमेंट और इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका है पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए। घरों तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाना एक अहम कदम है। हालांकि ये जरूरी है कि यह दूषित तत्वों से मुक्त हो, ट्रीटमेंट पर निगरानी की जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र में 2019 में किए गए एक शोध में ये सामने आया था कि पाइप वाटर में भी 37% दूषित तत्व पाए गए थे। यहाँ यह मान लिया गया है कि दूषित पेयजल इस्तेमाल करने वाले घरों में भी बाल मृत्यु दर स्वच्छ पेयजल वालों घरों के मुकाबले 25% अधिक है। यानी एक तरह से इन्होंने कह दिया कि दूषित पेयजल से जो मृत्यु है वो स्वच्छ पेयजल की अपेक्षा ज़्यादा ही रहती है। तो अब हम देखते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। तो जल जीवन मिशन यानी हर घर जल, तो उद्देश्य क्या है, तो कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति दिन 55 लीटर जल उपलब्ध कराना। इसका जल शक्ति मंत्रालय क्या है, तो नोडल मंत्रालय है। उसके बाद आप देखिए कि इसका वित्तीय प्रारूप क्या रखा गया, तो केंद्र हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों में कितना देगा, तो केंद्र देगा 90% और जो हिमालय और पूर्वोत्तर के राज्य तो वो 10% किसमें हिस्सेदारी रखेंगे। फिर केंद्र और अन्य राज्य में तो 50% का जो अनुपात रहेगा उनका, और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो केंद्र शासित प्रदेशों में 100% हिस्सेदारी किसकी रहेगी, तो केंद्र की रहेगी। उसके बाद इसके प्रमुख घटकों को देखिए, तो बॉटम अप प्लानिंग करना, महिला सशक्तिकरण करना, भविष्य की पीढ़ियों पर विशेष ध्यान देना, कौशल विकास और रोजगार सृजन करना, दूसरे जल का प्रबंधन करना, स्रोत की संधारणीयता यानी सस्टेनेबिलिटी यानी सततता को बढ़ावा देना। तो इस तरह से हमें इसको देखना है। उसके बाद देखिए कि जो पोल्यूटेड वाटर है उससे कौन सी बीमारियाँ होती हैं, तो कोलेरा, उसके बाद देखिए हेपेटाइटिस सी, डायरिया, टाइफाइड और अन्य बीमारियाँ होती हैं। उसके बाद देखिए कि इससे जो दूषित यानी जो अनसेफ वाटर है और सैनिटेशन से तो कितनी मतलब बड़ी मात्रा में मृत्यु होती है, तो देखिए 10% के आसपास यानी 11% मान लीजिए। उसके बाद एयर पोल्यूशन से दिखाया गया है। फिर चाइल्ड एंड मैटरनल माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की वजह से कितनी मृत्यु होती है, तो यहाँ पर दिखाया कि मेजर कॉज ऑफ अंडर 5 डेथ्स। तो इस तरह से आप देखिए कि 2017 जो आंकड़ा दे रखा है तो उसमें कितना बड़ी हिस्सेदारी रखता है ये अनसेफ वाटर एंड सैनिटेशन। तो इस तरह से हमें इस खबर को देखना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। देश में कम हो रही है असमानता, रैंकिंग में 6 स्थानों का सुधार, तो असमानता कम करने की दिशा में प्रतिबद्धता को लेकर वैश्विक स्तर पर जारी CRI रैंकिंग में भारत की स्थिति सुधरी है। भारत की रैंकिंग 6 स्थान सुधर कर 123 रही। CRRI 2022 में कोरोना महामारी के 2 वर्षों के दौरान असमानता को कम करने की दिशा में 161 देशों में की सरकार की नीतियों और प्रयासों की विश्लेषण किया गया है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल द्वारा तैयार CRI रैंकिंग में नॉर्वे को पहला, जर्मनी को दूसरा और ऑस्ट्रेलिया को तीसरा स्थान पर रखा गया है। कराधान की प्रगतिशील व्यवस्था के
मामले में भारत की रैंकिंग 3 स्थान से सुधरकर 16 हो गई है। असमानता को कम करने में सरकारी खर्च के प्रभाव के मामले में भी भारत की स्थिति 27 स्थानों का और कर के प्रभाव के मामले में भी 33 स्थानों का सुधार देखा गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च के मामले में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है, 2 स्थान गिरकर इस बार रैंकिंग 157 रही, यानी भारत इस मामले में पांचवा सबसे खराब स्थिति वाला देश है। भारत में सरकार के कुल खर्च में स्वास्थ्य पर खर्च की हिस्सेदारी कितनी है, तो मात्र 3.64% है, जो ब्रिक्स देशों में सबसे कम है। तब हम देखते हैं सीआरआई इंडेक्स के बारे में। द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स 2022, तो यहाँ पर दिखा है ऑक्सफेम और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल, जिन्होंने इस रिपोर्ट को जारी की है। तो यहाँ पर दिखा हुआ है कि जो सीआरआई 2018 में जो दिखाया गया उसके पिलर्स और इंडिकेटर्स को देखिए, तो यहाँ पर दिखा हुआ कि स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एजुकेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन, तो ये एक इंडेक्स हो गया, पिलर्स हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, तो दूसरा इंडिकेटर कौन गया, तो प्रोग्रेसिव ऑफ टैक्स पॉलिसी, और तीसरा हो जाता है लेबर राइट्स एंड मिनिमम वेजेस। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में, तो इधर दिखाया कि सोशल स्पेंडिंग एस परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेंडिंग, जिसमें एजुकेशन स्पेंडिंग, हेल्थ स्पेंडिंग, सोशल प्रोटेक्शन स्पेंडिंग, तो यहाँ पर भारत की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि भारत का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसमें खर्च है जीडीपी का, वो भी पर्याप्त नहीं है। उसके बाद इसमें दूसरा पिलर्स क्या हो गया, तो इंसिडेंस ऑफ स्पेंडिंग ऑन इनइक्वलिटी, जिसमें गिनी कोफिशिएंट को लिया गया, जिसमें एजुकेशन स्पेंड को दिखाया गया है कि हेल्थ स्पेंड कितना है जीडीपी का, उसके बाद सोशल प्रोटेक्शन कितना परसेंट जीडीपी का हिस्सेदारी की जाती है। तो ये उसके क्या पिलर्स हो गए, ये तो इंडिकेटर्स हो गए। उसके बाद अंदर पिलर्स को ले लिया क्या, अब ये इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, तो ये हमें नहीं देखना, हमें मेन है कि इसके जो कॉन्सेप्ट उसको समझना है। फिर देखिए प्रोग्रेसिव ऑफ टैक्स पॉलिसी को देखिए, तो इसके अंदर क्या ले लिया, तो प्रोग्रेसिविटी ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, जिसमें पर्सनल इनकम टैक्स ले लिया मिनिमम एंड मैक्सिमम रेट्स, फिर थ्रेशोल्ड को ले लिया, फिर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट को ले लिया, वेट ले लिया, फिर एग्जेम्पशन ले लिया, फिर दूसरा क्या है, तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन इनइक्वलिटी, तो इसमें ले लिया वेट रेवेन्यू परसेंटेज जीडीपी, फिर सीआईटी रेवेन्यू परसेंटेज जीडीपी, फिर एक्साइज रेवेन्यू परसेंटेज जीडीपी, फिर टैक्स कलेक्शन को ले लिया कि टैक्स प्रोडक्टिविटी कैसी, वेट कैसा है। उसके बाद जो टैक्स एफर्ट कंपर्ट विद पोटेंशियल, फिर हार्मफुल जो टैक्स प्रैक्टिसेस है उनको, जैसे हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस, एंटी टैक्स अवॉइडेंस रूल्स, एविडेंस ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट, फिर ये जो प्रोग्रेसिव ऑफ टैक्स पॉलिसी में शामिल कर लिए, फिर लेबर राइट्स एंड मिनिमम वेजेस, तो इसमें शामिल कर लिया कि वर्कर्स इन लेबर यूनियन राइट्स, तो गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन लॉ एंड प्रैक्टिस। दूसरा है कि वुमन लीगल राइट्स एट वर्क, तो लॉ ऑन इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क, लॉ अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लॉ अगेंस्ट रेप, लॉ अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट और पेरेंट लीव। उसके बाद तीसरा है मिनिमम वेजेस, तो मिनिमम वेजेस इन लोकल करेंसी पर कैपिटा जीडीपी। तो मेन हमारा जो उद्देश्य वही रहना चाहिए कि इसमें कौन से इंडिकेटर्स हो गए, तो एक हो गया सोशल, यानी जो स्पेंडिंग होना हेल्थ पर, एजुकेशन पर और सोशल प्रोटेक्शन पर, दूसरा है प्रोग्रेसिव ऑफ टैक्स पॉलिसी, और तीसरा है लेबर राइट्स एंड मिनिमम वेजेस, जिसमें 3 पिलर्स हो गए। इसमें टैक्स वाले में कौन से हो गए, तो 4 पिलर, और जो हेल्थ और एजुकेशन, इसमें 2 पिलर्स हो गए।